सो गाइस, कॉमिक दुनिया में सबको ऐसा महसूस होता है कि सुपरमैन सबसे ज्यादा ताकतवर सुपर हीरो है, और कई सारे कॉमिक बुक फैंस तो ऐसा भी मानते हैं कि सुपरमैन को हद से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। पर शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन मार्वल के अंदर भी एक ऐसा सुपर हीरो मौजूद है जो सुपरमैन से कई गुना ताकतवर है, और इसके पावर और लुक्स की वजह से कई सारे कॉमिक बुक फैन ऐसा भी मानते हैं कि मार्वल का ये पर्टिकुलर कैरेक्टर डीसी के सुपरमैन से काफी ज्यादा हैविली इंस्पायर्ड है। लेकिन सुपरमैन के पावर से सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि मार्वल के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक हो सकता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सेंट्री हमें सबसे पहले दिखा था सेंट्री के इशू नंबर 1 में, जो पब्लिश हुई थी सन 2000 में। प्रेजेंट डे में रॉबर्ट रेनॉल्ड, आल्सो नोन एज बॉब, एक बहुत ही बुरा सपना देखकर जाग जाता है। उसकी वाइफ के पूछने पर वो कहता है कि वो ठीक है, पर फिर भी वो उठकर अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करता है, जिसमें वो महसूस करता है कि वो एक सुपर हीरो था। असल में 1947 में अमेरिका और कनाडा मिलके एक डिपार्टमेंट के बनाते हैं, जिसके अंदर वो सेंट्री प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जिसमें बेसिकली सुपर सोल्जर सीरम की ताकत को तकरीबन 1000 गुना तक बढ़ाया जाना था। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है और इस पर रिसर्च करने का जिम्मा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद एक ड्रग एडिक्ट जिसका नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, इन्हीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स में से किसी एक के लैबोरेटरी में घुस जाता है और एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया गोल्डन सेंट्री सीरम पी जाता है। इसे पीते ही रॉबर्ट के अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। सरकार एक बार फिर से सेंट्री प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है और रॉबर्ट को सेंट्री के प्रोजेक्ट के टेस्ट के लिए चुन लेती है, जिसमें अल्टीमेटली वो उसके पावर्स को टेस्ट करते हैं। सेंट्री अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन और एक ऑप्टिमिस्टिक सुपर हीरो साबित करता है, और वो मार्वल के कई सारे सुपर हीरो का कई सारी लड़ाई में साथ दे चुका होता है, पर वो स्पेशली एवेंजर्स का साथ देता है अपने विलेन वॉइड से लड़ने के लिए, जिसे हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इन सब चीजों को याद करने के बाद वो अपनी किताब में से एक बोतल निकालता है, जो कि बेसिकली वही गोल्डन सेंट्री सीरम होता है जिसे पीकर वो सेंट्री बना हुआ होता है। बोतल को खोलने से पहले उसके अंदर एक गट फीलिंग होती है कि शायद सेंट्री के वापस आने से वॉइड भी वापस आ जाएगा, पर फिर भी वो बोतल खोल के सीरम पी जाता है और एज अ रिजल्ट वो सेंट्री बन जाता है और उसकी गट फीलिंग सच हो जाती है और वॉइड जिंदा हो जाता है। रॉबर्ट एक एक करके मार्वल के मेंबर्स के पास जाता है, लेकिन सच तो ये होता है कि मार्वल का एक भी मेंबर रॉबर्ट को नहीं पहचानता और ना ही वो किसी भी सेंट्री नाम के सुपर हीरो को जानते थे। सेंट्री की सुपर पावर आने के बाद रॉबर्ट को फाइनली अपना वॉच टावर भी शहर के ऊपर दिखने लगता है, जहां से वो नजर रखता था। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका वॉच टावर एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग सेंट्री को भूल चुके हुए होते हैं। सेंट्री वो सिग्नल बंद करता है और अचानक से सबको सेंट्री के बारे में याद आना शुरू हो जाता है। सारे के सारे मार्वल सुपर हीरो सेंट्री के दुश्मन का सामना करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, पर फाइनली रीड रिचर्ड्स को याद आता है कि आखिर वॉइड है कौन। वॉइड बेसिकली सेंट्री की एक स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, जो कि जाहिर सी बात है कि सेंट्री के पावर से ही एग्जिस्ट करती है, और सेंट्री ने ही रीड रिचर्ड्स और बाकी के एवेंजर्स के साथ मिलकर वो सिग्नल अपने वॉच टावर से ट्रांसमिट करने को कहा था, और यही काम फिर से सेंट्री रीड रिचर्ड्स के साथ करता है, जिससे बाकी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक बार फिर से सभी सेंट्री और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को भूल जाते हैं और रॉबर्ट फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है। अगर बात करें कॉमिक अपीयरेंसेस की, तो सेंट्री हमें बहुत ही ज्यादा कम दिखा है और इसका रीजन भी हम सब जान चुके हैं। मेरे हिसाब से ये मार्वल का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट टेक है एक सुपर ह्यूमन से डील करने का। और अगर हम पावर की बात करें, तो सेंट्री के पास सुपरमैन जैसे सारे के सारे पावर्स हैं। इसके अलावा उसके पास साइओनिक एबिलिटीज भी मौजूद हैं, जिसके कारण वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, साथ ही साथ उसे मेंटली मैनिपुलेट भी कर सकता है। और तो और वो अपने आंखों और हाथों की मदद से बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट छोड़ सकता है, जो कि लाइट, हीट और फोर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अलावा फोटोकिनेसिस, जिसकी मदद से वो लाइट को जनरेट और कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वो लाइट की मदद से किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बिल्कुल कुछ कुछ ग्रीन लैंटर्न की तरह। और वो अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी वॉइड को दुनिया के सामने इसी फोटोकिनेसिस की मदद से प्रेजेंट करता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूल मैन मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे मैनिपुलेट करके उसे इंटीग्रेट और डिसइंटीग्रेट कर सकता है। और ऐसे में जब वो सेंट्री से भिड़ता है, तो वो बहुत ही आसानी से मॉलिक्यूल मैन को हरा देता है। और तब हमें जाकर पता चलता है कि सेंट्री के पास भी मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन की शक्ति मौजूद है।
सो गाइस ये थी सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी जो मैंने आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक ढंग से बताया है। बेसिकली मैंने इसकी ओरिजिन को उठाया है इसी की कॉमिक सीरीज जो कि पब्लिश हुई थी सन 2000 में। ओरिजिन वीडियो होने के कारण मैंने कई सारे साइड डिटेल्स को जानबूझकर इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती और दूसरा आपके सेंट्री की कॉमिक्स को पढ़ने का एक्सपीरियंस का मजा किरकिरा हो जाता। नहीं, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिटेल्स सेंट्री की ओरिजिन पर कोई डायरेक्ट असर नहीं डालते। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको सेंट्री की ओरिजिन का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे ही दूं। होप आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप किसी और कैरेक्टर की ओरिजिन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सवाल और सुझाव डालना न भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे चैनल की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल के लिंक को या फिर इस वीडियो के लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।